जो सत्य के रास्ते पर चलता है वह रास्ता एक ना एक दिन भगवान के द्वार तक हमें और आपको पहुंचा ही देता है। सत्य का रास्ता ही ईश्वर तक जाता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप झूठ लाख बोल दो लेकिन झूठ बोलने से ना आपको ही शांति मिलेगी, ना तो आपको ये लोक बनेगा ना परलोक बनेगा। सत्य बोल के हार जाना अच्छा है पर झूठ बोल के जीत जाना अच्छा नहीं है। झूठ बोल के जीत जाने से अच्छा है सच बोल के हार जाइए, कम से कम आप सत्य के साथ तो रहेंगे। जीवन में झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। हमें किसका साथ देना है मेरी माँ? सत्य का। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं? कभी झूठ ना बोला करो। कभी साल में एक बार, दो साल में एक बार, दस साल में एक बार झूठ बोल दिया तो माफ है। माफ तो नहीं है पर कम मात्रा है, ठीक है। एक लीटर दूध में यदि आपने दो बूंद पानी मिला दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लीटर दूध में दो बूंद पानी मिला दिया कोई फर्क पड़ेगा? पर एक लीटर दूध में एक लीटर ही पानी मिला दिया तो फर्क पड़ेगा। जीवन में दो चार बार झूठ बोल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा पाप है, नष्ट हो जाएगा तुम्हारे पुण्य से, पर पाप ही पाप है तो दंड ज्यादा होगा। इसलिए झूठ की मात्रा कम कर दीजिए, असत्य की। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम सच बोलेंगे तो हमारा बिजनेस ही नहीं चलेगा, हमारा व्यापार ही नहीं चलेगा, हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। हमने कहा, भाई जब झूठ बोलने से तेरी दुकान इतनी चलती है तो सोच तू सत्य का सहारा लेगा तो और कितनी दुकान चलेगी तेरी। यदि झूठ तुझे इतना आगे ले गया तो सोच सच तुझे कितना आगे ले जाएगा। पर विडंबना तो यह है, लोगों को झूठ पर तो भरोसा है पर सत्य पे भरोसा नहीं। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जीवन में सत्य ही आपको आगे ले जाएगा। यदि झूठ की इमारत आपने बना रखी है तो झूठ की इमारत बहुत जल्दी धराशायी हो जाती है, क्योंकि वह मजबूत नहीं होती। सत्य की नींव बड़ी मजबूत होती है मेरी माँ। सत्य के रास्ते पर चलोगे तो सदियां गुजर जाएंगी, समाज तुम्हें पूजना बंद नहीं करेगा। यदि झूठ के रास्ते पर चलोगे, रावण झूठ के रास्ते पर चलता था, राम जी सत्य के रास्ते पर चलते थे। सत्य के रास्ते पर चलते थे तो लोग मंदिर बना के पूजते हैं, और झूठ के रास्ते पर रावण चलता था तो गली गली पुतले जलाए जाते हैं। ये है झूठ का परिणाम। तुम बोलोगे झूठ, परिणाम क्या होगा? वर्तमान को ना देखो, इस वर्तमान में किए गए कर्म का परिणाम क्या होगा उस पर तो दृष्टि डालो। जो आज है, जो तुम आज अच्छा या बुरा कर रहे हो, इसका भविष्य क्या है, कल क्या होना है इसका, उस पर दृष्टि डालना जरूरी है। भविष्य को देखना भी जरूरी है। हाँ, कहां देखना चाहिए भविष्य को? रावण ने यदि यह सोचा होता कि मेरे जैसा पंडित, मेरे जैसा ज्ञानी, यदि मेरे जैसा ज्ञानी सीता को चुराएगा तो समाज में संदेश क्या जाएगा, मैसेज क्या जाएगा? रावण ने यदि इस बात पे थोड़ा सा विचार किया होता तो शायद रावण ये गलती ना करता, शायद रावण के पुतले ना जलाए जाते। आप कोई भी काम करने के पहले एक बार आने वाले भविष्य को जरूर झांक कर देखिएगा, कहीं लोग आपको आने वाले भविष्य में गालियां तो नहीं देंगे। ओसामा नाम का एक व्यक्ति था जो मारा गया लादेन। उसने कितना अपराध किया, कितने निर्दोष लोगों को मारा। क्या हुआ, आज तक लोग उसे गालियां देते हैं, आज तक उसके नाम पर किसी ने आंसू नहीं बहाए होंगे। देखो, मरना तो सबको है मेरी माँ, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। अब निर्णय ये करना है कि झूठ बोल के मरना है कि सत्य बोल के मरना है, रावण बन के मरना है कि राम बन के जाना है, ये आपका निर्णय है, आप देख लीजिए। इसलिए गलत मार्ग ना अपनाइएगा, वह आपके लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा तो लगता है, खुजली जब होती है खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन जो उसकी जलन होती है ना खुजलाने के बाद, वो बड़ी दर्दनाक होती है। ऐसे झूठ भी खुजली की तरह, झूठ बोलने बड़ा मजा आता, हाँ बड़ा मजा आ गया, बहुत पैसे मिल गए, बहुत कमा लिया, बहुत बड़े आदमी बन गए, लेकिन उसके उसका जो रिएक्शन होगा, जो उसकी जलन होगी, असहनीय वेदना होगी, असहनीय दर्द होगा। इसलिए जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर ना चलना। बच्चों को यही सिखाओ बचपन से, बेटा नमक रोटी खा लेना पर सत्य की ही रोटियां खाना। झूठ के हलवा पूड़ी से अच्छा है सत्य की नमक रोटी खाएं। वह सत्य की नमक रोटी ना जल्दी हजम हो जाती है, चूरन नहीं खाना पड़ता, और पाप की रोटियां खाने के बाद चूरन खाओ तो भी हजम नहीं होती, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता रहता, ना तो रात को नींद आएगी ना तो चैन मिलेगा। आप आलीशान बंगला बनवा लीजिएगा झूठ बोल करके, पाप करके रह लीजिए उस बंगले में, शांति नहीं मिलेगी। रावण सोने की लंका में रहता था, शांति नहीं मिली, जबकि रावण जिस लंका में रहता था वह लंका किसने बनवाई थी आपको पता है? वह लंका भगवान शंकर ने बनवाई थी। किसके लिए बनवाई थी? अपने लिए। पार्वती ने कहा कि पहाड़ में रहते रहते बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा सबने घर बनवा लिया, हाँ सब सेटल हो गए, थोड़ा आप भी घर पर बनवा लीजिए, हम लोग भी वहाँ थोड़ा अच्छे से रहें, परिवार की तरह लगे कि हाँ हम लोग भी अच्छे से रहते हैं, यहाँ पहाड़ों में पड़े रहते हो। शंकर जी ने कहा पार्वती की इच्छा है तो एक बढ़िया सा घर बनवाते हैं। ओ शंकर जी ने कृपा की और सोने की लंका बनवा दी शंकर जी ने, और गृह प्रवेश, अब घर बनाया तो गृह प्रवेश के लिए पंडित जी, तो शंकर जी बोले इस समय बढ़िया पंडित जी रावण ही हैं। रावण को बुलाया, आओ पंडित जी जरा गृह प्रवेश कराओ, तो रावण ने गृह प्रवेश कराया। शंकर जी ने कहा बताओ दक्षिणा में क्या चाहिए? लंका। रावण बोला ये लंका बड़ी अच्छी, जो आपका घर है आप क्या करेंगे, आप तो अवगढ़दानी है, आप जहाँ रहते थे वहीं रहिए, ये हमें दे दीजिए। पार्वती ने बोला हे भगवान कैसा पंडित है, गृह प्रवेश में घर ही मांग लिया। तो माता पार्वती, शंकर जी बोले अब तो दे दिया हमने, पार्वती से कहा चलो वहीं जहां थे। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, मूर्ख इतना लालची है तू, जा दूसरों के घर में कब्जा करता है, रहेगा जरूर इस लंका में पर तुझे शांति नहीं मिलेगी। जिस दिन से रावण लंका में शिफ्ट हुआ अपना सामान लेकर, उस दिन से रावण उस लंका में सुखी नहीं रहा। आपको क्या लगता है दूसरों की संपत्ति हड़प लेने से सुख मिल जाएगा? आजकल तो छोटा भाई बड़े भाई की हड़प लेता है, बड़ा भाई छोटे भाई की संपत्ति हड़प लेता है, आज तो भाई भी हड़प लेता है। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है दूसरों की हड़प लेंगे तो मजा आ जाएगा, बड़े आदमी हो जाएंगे, इज्जत बढ़ जाएगी? क्यों ये नहीं सोचते कि तुमको ईश्वर हर पल देख रहे हैं, परमात्मा की दृष्टि से कोई नहीं बचा, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका हिसाब किताब खाता वही वहां है, तुमने कितना अच्छा और कितना बुरा किया है। इसलिए बुरा ना करना किसी के साथ, भाई के साथ भी ना करना, जमाने के साथ भी, दुश्मन के साथ भी बुरा ना करना, ईमानदारी से। हमारे यहाँ तो दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती है, छाती पे वार तो करना, पीठ पे प्रहार ना करना। हमारे यहाँ दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती है, नहीं हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। हमारे यहाँ दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती है, दुश्मनी में भी सत्यता होती है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं दुश्मन के पीठ पर वार नहीं करना, छाती पे सामने से बता के मैं आ रहा हूं, पाप तो यहां भी है यदि पीठ पर वार कर दिया। इसलिए मनुष्य का धर्म है परोपकार करना, सत्य बोलना, इस रास्ते से कभी हिलिएगा मत। सत्य के लिए ये भारत कौन सी धरती है जरा सुनिएगा, सत्य के लिए हम लोग बिक जाने वाले लोग हैं। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा बाजार में बिक जाती है, हरिश्चंद्र का बेटा बाजार में रोहित नाम का बिक जाता है, लेकिन अपने सत्य को नहीं छोड़ता। ये भारत की धरती है जहां जहां अपने आप को बेच दिया जाता है, लेकिन उस हाल में भी सत्य को नहीं छोड़ा जाता। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, किसके लिए? सत्य के लिए।
मौरध्वज नाम के एक राजा थे, उन्होंने अपने बच्चे को आरे से चीर कर दान दिया था। सत्य कितनी बड़ी चीज है शायद आप नहीं जानते। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। और आज लोग झूठ ही बोल रहे। एक राजा थे, उनका नाम था मौरध्वज। यह द्वापर युग के अंत की बात है। जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए और राजा बन के उन्होंने प्रजा को खूब भंडारा किया, भोजन प्रसादी कराया, लंगर चलाया, यज्ञ किया, सबको संतुष्ट किया दान दक्षिणा देकर। तब अहंकार से अर्जुन ने अंगड़ाई लेते हुए श्री कृष्ण से कहा, श्याम सुंदर बताओ कैसे धरती में हमारे भाई से बड़ा कोई दानी है? क्या हमारे भैया धर्मराज युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानी दूसरा है? बड़ी अहंकार से ये बात अर्जुन कह रहे हैं। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे भाई का नाम तो लिस्ट में सबसे नीचे है। अरे नीचे? तो जरा हमें लिस्ट चेक कराओ, सबसे ऊपर किसका नाम है? भगवान ने कहा, लिस्ट चेक ना करो, हमारे भक्तों का हिसाब किताब हमारे पास रहता है। तुम्हारा भाई तो अभी बहुत छोटा है, दानियों के नाम पर छोटा। अच्छा तो बड़ा कौन है? जिद कर ली अर्जुन ने, हमें बताओ कि सबसे बड़ा दानी कौन है। भगवान ने अपनी लिस्ट पकड़ा दी, देखा तो सबसे ऊपर नाम था मौरध्वज का। इस दुनिया में बड़े बड़े दानी हुए हैं मेरी माँ। उन दानियों में दानवीर कर्ण भी हैं, दानवीर हरिश्चंद्र भी हैं, लेकिन इन सबके दान से श्रेष्ठ दान मौरध्वज का दान है। ये मौरध्वज ने आखिर क्या दान कर दिया? चर्चा लंबी है। जब अर्जुन ने देखा कि मौरध्वज नाम का व्यक्ति है, उसका नाम, अर्जुन ने कहा, महाराज मैंने तो इस आदमी का नाम भी नहीं सुना। यदि दानी होता तो मेरे कानों में इसका नाम कभी ना कभी तो पड़ता। भगवान बोले, ये दानी जरा गुप्त में रहता है, छिपा करके देता है, इसे जान पाना संभव नहीं। अर्जुन बोले, मैं परीक्षा लेकर देखूंगा कि सच्ची दानी है कि आप पक्ष ले रहे हैं भक्त का। भगवान बोले, देखो मुझे तो उस पर कोई संदेह नहीं है, सच्चा दानी है। तुम्हें फिर भी संदेह है, चलो परीक्षा ले लो। अर्जुन, कृष्ण और यमराज, यमराज जी को बुलाया गया। अर्जुन और कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप बनाया, यमराज को शेर का रूप बना दिया। शेर बन गए, बूढ़ा सा शेर बन गए यमराज जी। अर्जुन और श्री कृष्ण पंडित जी बन के गए। भिक्षाम देही मौरध्वज के दरवाजे में जाकर भिक्षा, जब भिक्षा मांगी, मौरध्वज निकल के आए। ब्राह्मण देवता आए हैं, देखो घर में ब्राह्मण आए तो बड़ा सम्मान किया करो, बड़ा आदर किया करो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। सम्मान किया मौरध्वज ने, चरणों को पखारा, चरणों को धोए, चरणों को धोकर बिठाया, आरती उतारी, पूजा की। और मौरध्वज ने कहा, महाराज ये बताइए आपका आगमन क्यों हुआ है? मैं आपकी क्या मदद करूं, क्या सेवा करूं, बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, राजन आज हमने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो। अच्छा, मौरध्वज का नियम था कि पहले जब तक किसी को दे नहीं देते थे तब तक वह अन्न भी ग्रहण, जल भी ग्रहण नहीं करते थे, दान देकर ही वह कुछ खाते और पीते थे। आज ब्राह्मण आए हैं, क्या देना चाहिए? जो आप मांग लेंगे सो दे देंगे। अच्छा तो फिर एक काम कीजिए ना। ब्राह्मणों ने कहा, यदि देना हो तो हाथ में जल लेकर संकल्प लो, ऐसा तो नहीं कि हम मांगे और आप मुकुर जाओ, इसलिए पहले संकल्प। अच्छा, मौरध्वज ने कहा, जो मैं कह देता हूं वह करता हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपको फिर भी यकीन नहीं है तो एक काम कीजिए, ये रहा संकल्प। हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दिया, जो आप कहेंगे मैं दूंगा। संकल्प छूट गया,
अब ब्राह्मणों ने कहा, मोरध्वज आपने संकल्प दे दिया है, जो मांगूंगा दोगे। मोरध्वज ने कहा, मेरा शीश मांग लोगे शीश दे दूंगा, राज्य मांग लोगे राज्य दे दूंगा, जो मांगो दे दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा, ना तेरा शीश चाहिए ना तेरा राज्य चाहिए, फिर क्या चाहिए? कह दिया ब्राह्मणों ने, महाराज मेरा शेर बाहर खड़ा है, महीने भर से भूखा है, बूढ़ा हो गया है, दांत गिर गए हैं, कुछ खा नहीं पा रहा है, उसके लिए जरा से मांस की व्यवस्था कर दीजिए, मांस दे दीजिए। मोरध्वज ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे मांस चाहिए, मैं अपना मांस देता हूं, आपका शेर कितना खाएगा? देखो मांस, राजा मैं आपका मांस नहीं ले सकता, आपका मांस जरा कड़ा हो चुका है, बूढ़ा शरीर है आपका, मैंने सुना है आपका एक छोटा सा बच्चा है। अच्छा, मोरध्वज का एक ही बेटा था, नाम था ताम्रध्वज, अभी केवल 6 साल की आयु थी, 5 से 6 साल का बालक था, छोटा सा था। बहुत पूजा पाठ करने के बाद, बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद विधाता ने यह बेटा दिया था। ब्राह्मण कह रहे हैं कि आप अपने बेटे का मांस हमारे शेर को डालो, शेर बूढ़ा हो गया है, दांत टूट गए हैं, तो वह कड़ा मांस नहीं खाता, बच्चों का मांस जरा कोमल होता है, तो बच्चे का मांस दीजिए। पर शर्त एक और है। क्या शर्त है? बोले, हमारे शेर के दांत नहीं है तो वह मांस फाड़ नहीं सकता, तो आपको ही अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़े करने होंगे, आपको बच्चे को फाड़ कर देना होगा, क्योंकि वो तो फाड़ नहीं सकता, उसके तो दांत टूटे हैं। अब तो मोरध्वज के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, परंतु वचन दिया था। मोरध्वज के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि यदि मैं बेटे को जबरदस्ती पकड़कर मार डालता हूं तो बाल हत्या लगेगी, किसी को भी मारना हत्या है, यदि मैं बच्चे को मार देता हूं तो हत्या लगेगी, और नहीं देता तो जो मैंने वचन दिया है वचन मिथ्या हो जाएगा। धर्म संकट में पड़ गए मोरध्वज। तभी उनका वह नन्हा सा बालक 5 वर्ष का दौड़ा दौड़ा आया, पिताजी मैंने सब सुन लिया, आप यही सोच रहे हैं ना कि मेरी मर्जी है या नहीं? पिताजी ये लो, मैं खड़ा हो गया। अरे वह पुत्र, पुत्र कैसा जो अपने पिता के धर्म को ना बचाए? यदि मेरे द्वारा आपका धर्म बचता है, पुत्र के द्वारा पिता का धर्म बचता है, तो यही पुत्र का धर्म है कि वह पिता का धर्म बचाए, इसीलिए उसका जन्म होता है। मैं आपके धर्म की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान दे सकता हूं पिताजी, आपका वचन मिथ्या ना हो, यदि आज आपका वचन टूट गया तो आपका धर्म चला जाएगा, और बेटे के रहते बाप का धर्म चला गया तो बेटे का होना व्यर्थ है। अरे पिता के धर्म की रक्षा पुत्र ना करेगा तो कौन करेगा? बेटा खड़ा हो गया, आरे की व्यवस्था की गई। जब रानी को पता चला, मोरध्वज की पत्नी को, के बच्चे को आरे से चीरना है, आरा जो लकड़ी को चीरता है आरा, ताम्रध्वज खड़ा है, एक तरफ रानी एक तरफ राजा, रानी के तो हाथ कांप रहे हैं, कौन सी मां होगी जो अपने बच्चे के शरीर में आरा चलाएगी? मां थर थर कांपने लगी, रोने लगी, बच्चे को हृदय से लगा लिया, चूमने लगी, गालों को माथे को चूम कर हृदय से लगा लिया, बेटा ये क्या हो रहा है? तब ब्राह्मणों ने कहा, देखो देवी समय कम है, शेर भूखा है, जल्दी से आरा चलाओ, यदि तुम अब आंसू बहाओगी तो हम यहां से चले जाएंगे, और हम चले गए तो इनका दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा, इनका सत्य आज तक टूटा नहीं, इनका वचन आज तक टूटा नहीं, और यदि आप आंसू बहाओगी तो कहीं आपके आंसुओं के कारण आज इनका वचन टूट ना जाए, मोरध्वज का वचन ना टूट जाए। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, बेटे को बीच में खड़ा किया,
बेटे ने माँ की तरफ देखा, माँ पुत्र की रक्षा मत करो, माँ धर्म की रक्षा करो। यदि आज पिता का वचन टूट गया, पिताजी ने जन्म से लेके आज तक कभी झूठ नहीं कहा, यदि मेरा मेरा बलिदान नहीं दिया आपने, तो पिता का पहली बार वचन टूट जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं, मां पुत्र मर जाएगा तो फिर वापस आ सकता है, पुत्र चला जाएगा तो वापस आ सकता है, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए पुत्र की रक्षा नहीं, आज धर्म की रक्षा कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, खड़ा हो गया बेटा, सिर पे आरा रखा गया, एक तरफ रानी ने एक तरफ राजा ने पकड़ा, और बस आरा चलाने ही जा रहे थे कि उस नन्हे से बच्चे ने आवाज लगाई, माँ एक पल के लिए रुक जाओ। दौड़ कर गया, रुई लेकर आया, माँ के कान में रुई लगा दिया, पिता के कान में रुई। माँ ने कहा, पुत्र ये रुई कान में क्यों? माँ जब आप आरा चलाओगी ना तो मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा, शायद मैं दर्द के कारण बहुत जोर से चीखूं, और मेरी चीख यदि आपके कानों में चली गई तो आप आरा चलाना बंद कर दोगी माँ। और आरा चलाना बंद कर दिया तो पिता का धर्म संकट में पड़ जाएगा, इसलिए कानों में रुई लगा रहा हूँ कि मैं कितना भी चीखूं कितना भी चिल्लाऊं पर आप आरा चलाना बंद मत करिएगा। कान में रुई लगा दिया, खड़ा हो गया, आरा चलाना स्टार्ट किया, खून की पिचकारियां दीवारों में जाने लग गईं, माँ के माथे पे खून आने लगा बच्चे का, पिता के माथे पे खून आ गया, चारों तरफ रक्त ही रक्त बिखर गया, और देखते ही देखते वह बच्चा दो भागों में फट गया, सिर से आरा चलाया दो भागों में फट गया। ब्राह्मणों ने कहा, इसका दाहना अंग ले जाकर मेरे शेर को डाल दो, और इसका बायां अंग ले जाकर गटर में फेंक दो। जब ये गटर की बात आई तो मां की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों ने कहा, आपसे मना किया था कि रोना नहीं है। महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि पुत्र चला गया, फिर क्यों रो रही हो? महाराज, इसका एक भाग आपने शेर को डालने को कहा, दूसरा फेंकने को, एक खाएगा तो दूसरा भी खिला दीजिए, कम से कम बच्चे का पूरा शरीर किसी के काम तो आएगा, गटर में यूं ही पड़ा रहेगा। इसका एक अंग आपके काम आ गया, इसका दूसरा अंग आपके काम नहीं आ सका, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणों ने कहा, अच्छा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमें भूख लगी है, जाओ भोजन बनाओ। राजा रानी ने स्नान किया और उसी हाल में भोजन बनाया। अब देखिए जरा, ये भारत की सच्ची घटना, घटी हुई घटना है। जैसे गुरु गोविंद साहब के दो बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था, ये केवल कहानी नहीं है, ये इतिहास की सच्ची घटना है, उसी प्रकार ये भी सच्ची घटना है। ये केवल कल्पना नहीं है, कहानियां नहीं है, ये घटी हुई घटनाएं। श्री भगवान ने कहा, भोजन कराओ। दोनों ने भोजन बनाया और जब थाली सामने आई, भोजन जब भगवान ने ग्रहण करना शुरू किया, रोटी तोड़ी और वापस रख दी। राजन, हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों महाराज? आप हत्यारे हैं और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। हत्यारे? हमने कौन सी हत्या की? अभी अभी आपने बच्चे को मारा है, मेरे आंखों के सामने सिर पर आरा चलाया। महाराज, वो तो आपने कहा था। हमने कहा था तो बच्चे को मार डालोगे? महाराज, सत्य के लिए। अरे अच्छा, अपने सत्य के लिए बच्चे की जान ले ली? तुम हत्यारे हो, कुछ भी कहो, हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। जा रहे हैं और ब्राह्मण जब जाने लगे, मोर ध्वज रोने लगे, पहली बार मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण भूखा जा रहा है, पहली बार मेरे दरवाजे से कोई ब्राह्मण नाराज होकर जा रहा है। महाराज, आपके दरवाजे से जब कोई भूखा चला जाता है तो वह भूखा व्यक्ति आपका सारा पुण्य अपने साथ ले चला जाता है, लेकर चला जाता है। कोशिश कीजिएगा कि आपके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए, यही हम गृहस्थ लोगों का परम धर्म है, अतिथि देवो भव। मोर ध्वज ने भगवान की तरफ देखा, हे विधाता, यदि मैंने आज तक किसी का अपनी वाणी से, अपने मन से, अपने कर्म से दिल ना दुखाया हो, तो हे विधाता, मुझ में ये कलंक लगा झूठा कि मैंने पुत्र की हत्या की है,
हे विधाता, मुझे इस कलंक से बचा लो। मैं सब सह सकता हूँ पर अपने माथे पे कलंक नहीं सह सकता। हे विधाता, मेरा पुत्र मुझे लौटा दो, यदि नहीं लौटाया तो जमाना सच कहेगा, सच्ची यही कहेगा, कैसा पिता था उसने अपने पुत्र को मार डाला। बेटा ताम्रध्वज, बेटा एक बार तू जिंदा होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। और ये कहकर मोरध्वज मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी अंदर से दौड़ता हुआ वही बालक, वही ताम्रध्वज ज्यों का त्यों लौट कर आ गया। पिताजी, मैं मर कर भी आपका धर्म बचाऊंगा, और आपके धर्म के लिए जिंदा होना पड़ा सो मैं जिंदा होकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा। दौड़ कर आ गया और अपने पिता के हृदय से लग गया। पिता ने देखा तो ना वहाँ कोई शेर था, ना कोई ब्राह्मण थे, वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और अर्जुन आँखों में आंसू लिए खड़े थे। अर्जुन मूरध्वज के चरणों में गिर पड़े। महाराज क्षमा कर दो, सच्ची कहा था भगवान ने कि आपके जैसा दानी कोई नहीं है। अरे धन का दान बड़ा नहीं है, शरीर का दान बड़ा नहीं है, अपना माथा भी अपना सिर भी काट के चढ़ा देना बड़ा नहीं है, लेकिन अपने पुत्र का दान, अरे पुत्र का दान करना भी बड़ी बात नहीं है, पर पुत्र का दान इस प्रकार आरे से चीर कर कोई पिता दे सकता है तो केवल मोरध्वज है। मोरध्वज की आंखों में आंसू आ गए। भगवान से कहा, प्रभु आप हैं क्या? आपको मुझ पर विश्वास नहीं था कि मैं आपके कभी सत्य को टूटने नहीं देने वाला हूं? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मोरध्वज, यदि मैं जमाने से कहता कि तू सबसे बड़ा दानी है, तुझे कोई दानी नहीं स्वीकार करता, पर आज तूने सिद्ध करके बता दिया कि तेरे जैसा दानी ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ था ना कभी होगा, इसलिए मोरध्वज का नाम दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानियों की लिस्ट में इनका नाम। अपने बच्चे को वारे से चीर कर दे दिया, लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया, सत्य को नहीं जाने दिया। अब यहां मैं आपको एक सारांश सुनाता हूं। मोरध्वज ने किसकी रक्षा की? धर्म की। मोरध्वज ने किसकी रक्षा की? और धर्म की रक्षा जब उन्होंने की तो उनका मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया कि नहीं? मरे हुए बेटे को जिंदा किसने किया? जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो वही धर्म जिसकी आपने रक्षा की, वही धर्म आपकी भी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। सत्य की रक्षा आप करेंगे तो सत्य भी आपकी रक्षा करेगा। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलना है। ये भारत वही भारत है, ये मिट्टी वही मिट्टी है, जहाँ सत्य के लिए मर गए, मिट गए, लेकिन सत्य को नहीं जाने दिया। इसलिए प्रार्थना करता हूँ, हजार, दो हजार, लाख, दो लाख, दस लाख के लिए झूठ ना बोला करो। दस लाख भी तुम झूठ बोल के कमा लोगे तो दस लाख दस दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो झूठ बोल के दस लाख कमाया है वो दस जन्मों में भी खत्म होने वाला नहीं। वह झूठ का परिणाम मिलेगा और वह दंड भोगना पड़ेगा। पैसे खत्म हो जाते हैं मां, पर पाप खत्म नहीं होता। पापों का दंड तो हमें भोगना ही पड़ता है। बच्चों को सिखाइए कि वह झूठ ना बोला करें, असत्य ना बोला करें, सदा सत्य का सहारा लिया करें, आश्रय आश्रित सत्य का आश्रय लिया करें। सत्य की शरण में जो रहता है, सत्य कौन? ब्रह्म सत्यम। सत्य मीन्स ईश्वर। जो सत्य की शरण में है वही भगवान की शरण में है, जो सत्य की शरण में नहीं वह भगवान की शरण में भी नहीं। सत्य मीन्स ईश्वर, सत्य मीन्स कृष्ण, कृष्ण ही सत्य है। तो आप सत्य बोलते हैं मतलब आप कृष्ण का आश्रय लिए हैं।